हेलो फ्रेंड, मैं विनीता जैन 24 कैरेट किचन से। और 24 कैरेट किचन ही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है और इसी नेम से ही मेरा फेसबुक पे पेज है, जहाँ पे मैं समय समय पे लाइव आती रहती हूँ। और आपको बहुत सारी फ्री रेसिपीज है वो मेरे पेज पे मिल जाएगी, तो आप मेरे पेज को जरूर लाइक एंड फॉलो करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। आज हम ब्राउनी का प्रीमिक्स तैयार करेंगे। ये ब्राउनी का प्रीमिक्स, इससे ब्राउनी बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी और टेस्ट भी इसका बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं इसको मैदे से नहीं बनाकर व्हीट फ्लोर से, यानी हेल्दी ब्राउनी का प्रीमिक्स आपको बता रही हूँ। आप चाहो तो मैदे से भी बना सकते हो। तो यहाँ हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए ब्राउनी का प्रीमिक्स बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने व्हीट फ्लोर लिया है, गेहूं का आटा 225 ग्राम यानी 225 ग्राम। यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी ली है 180 ग्राम, 180 ग्राम। यहाँ मैंने कोको पाउडर लिया है 35 ग्राम, मिल्क पाउडर लिया है मैंने 62 ग्राम। यहाँ बेकिंग पाउडर चाहिए हमें 1 टीएसपी और वनीला पाउडर लिया है हमें, वनीला पाउडर लगेगा हमें 1 टीएसपी। तो यहाँ मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है और सारे इंग्रेडिएंट है वो मैं इसके अंदर है वो डाल दूंगी, ताकि हमारा प्रीमिक्स के सब चीजें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप मार्केट से जो प्रीमिक्स खरीद के लाते हो उसके अंदर टोटली केमिकल मिक्स होते हैं, तो आपको जहां तक हो वो अवॉइड करना चाहिए और घर पर तैयार करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें बनना, कि बहुत ही टेस्टी ब्राउनी और बहुत ही इजी वे में तैयार हो जाती है। तो इसको मैं एक बार टर्न कर लूंगी तो हमारी सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये हमारा देखिए प्रीमिक्स अच्छे से एक साथ हो चुका है। अब मैं इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेती हूँ। ये हमारा ब्राउनी प्रीमिक्स है वो रेडी है, आप इसको सेल आउट भी कर सकते हो। तो अब हम इससे ब्राउनी बनाएंगे। प्रीमिक्स हमारा हो चुका है तैयार, अब हम इससे बनाएंगे ब्राउनी। तो यहाँ मैं पूरे ही प्रीमिक्स से ब्राउनी बना रही हूँ। ये पूरा वेट में है मेरा 500 ग्राम। आप चाहो तो आप भी रेसिपी बना सकते हो। तो फुल रेसिपी के लिए मेरे को चाहिए यहाँ 100 ग्राम बटर या ऑयल, यहाँ 200 ml हमें सब चीज़ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ चाहिए। तो यहाँ मैं बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। आप हाफ ऑयल और हाफ बटर भी ले सकते हो। इसके साथ ही ये मैंने 200 ml वाटर मेजर करके रखा है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक बैटर है वो बना लेती हूँ। तो बहुत ही आसान है हमें प्रीमिक्स के साथ ब्राउनी बनाना। पूरा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तीन महीने तक आपका ये प्रीमिक्स है वो खराब नहीं होगा। अच्छी तरह हमारा देखिए इस तरह का बैटर है वो हमें चाहिए। अब यहाँ मैंने 9x9 इंच टिन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, बैटर है मैं इसके अंदर पोर कर देती हूँ। अब हमें इसको 160 डिग्री पे हमें इसको 30 मिनट के लिए ओवन में इसको बेक करना है। यहाँ आप नीचे बेकिंग पेपर भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ऊपर वॉलनट है वो भी डाल सकते हो। तो देखिए किस तरह हेल्दी ब्राउनी है हमारी, झटपट तैयार हो गई। इसको मैं रख रही हूँ ओवन के अंदर बेक होने के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ।
ओवन को यहाँ हमें 10 मिनट के लिए पहले प्रीहीट कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी प्रीहीट कर रखा है। अब मैं ब्राउनी को रख देती हूँ अंदर और इसको मैं 30 मिनट टाइम है वो लगा देती हूँ। बैक होने के बाद आपको दिखाती हूँ। आफ्टर 30 मिनट देखिए हमारी कितनी ब्यूटीफुल ब्राउनी है वो बेक हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको कूलिंग रैक पे निकाल लेंगे, फिर मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। ब्राउनी हमारी ठंडी हो गई, इसको कट कर लेते हैं। गुई एंड फजी ब्राउनी बनी है, आप इसको जरूर बनाएं और इंजॉय करें। देखिए सबसे बेस्ट रेसिपी है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।